फ्रेंड्स, हमने डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज है 13 जुलाई। 13 जुलाई से जितने भी करंट पर क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे, क्योंकि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आज का करंट अफेयर्स आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। SSC, रेलवे, व्यापम, कोई भी एग्जाम हो, यहाँ से डेफिनेटली आपको करंट अफेयर्स क्वेश्चन देखने को मिलता है आपके हर एग्जाम में। MTS के बैक टू बैक एग्जाम चल रहे, इसके बाद दिल्ली पुलिस का आएगा तो इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए। उसके बाद ग्रुप डी का आ जाता है तो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कवर करेंगे इम्पोर्ट चलिए। तो आज के क्वेश्चन स्टार्ट करें तो हाल ही में विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया गया है? तो ऑप्शन है ए 9 जुलाई, बी 11 जुलाई, सी है 10 जुलाई और डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो कि विश्व जनसंख्या दिवस जो कि 11 जुलाई को हर साल मनाया जाता है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछ भी देता है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखिएगा 11 जुलाई को हर साल विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में T20 इतिहास से 500 डार्ट बॉल फेंकने वाले पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो टीम साउथ ही सैमुअल बद्री, भुवनेश्वर कुमार, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में T20 इतिहास में 500 जो डार्ट बॉल फेंकने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं भुवनेश्वर कुमार, जो कि क्रिकेट प्लेयर है सभी पता है। तो भुवनेश्वर कुमार जो कि T20 इतिहास में जो कि 500 डार्ट बॉल फेंकने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं। तो इसका सी ऑप्शन भुवनेश्वर कुमार सही आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के MD के रूप में किसे कार्यभार संभाला गया है? तो संदीप गुप्ता, बी राजेंद्र प्रसाद, सी है MS मुंद्रा, डी है इनमें से कौन है। तो हाल ही में राजेंद्र प्रसाद को हाल ही में नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के MD के रूप में इनको जो कि कार्यभार संभाला गया है। तो इसका भी ऑप्शन राजेंद्र प्रसाद सही हो जाएगा, जिनको कॉरपोरेशन लिमिटेड के MD के रूप में कार्यभार संभाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हाल ही में किस कंपनी के पूर्व अध्यक्ष BK सिंघल का निधन हो गया है? तो IOCL, ONGC, BSNL, BPCL। तो हाल ही में जो कि BSNL कंपनी के पूर्व अध्यक्ष जो कि BK सिंघल, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछ देगा। तो किस कंपनी के पूर्व अध्यक्ष BK सिंघल का निधन हुआ है? तो याद रखिए BSNL कंपनी है। तो यहाँ पे BSNL कंपनी की बात करते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है BSNL। यहाँ पे इंडस्ट्री टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है। इसको स्थापना जो कि सितंबर 15, 2000 में इसका स्थापना हुआ है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसके चेयर और MD है प्रवीण कुमार पुरवार जी को, इसके अभी चेयरमैन MD है। तो ये सब याद रखें, फैक्ट को डायरेक्ट एग्जाम में पूछ देगा। तो हाल ही में जून 2022 में बेरोजगारी दर बढ़कर कितने प्रतिशत हो गई है? तो 6.9%, 7.8%, सी है 7.4% और यह डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जून 2022 में जो बेरोजगारी दर जो कि बढ़कर 7.86% जो कि लगभग बढ़ गई है बेरोजगारी दर, याद रखिएगा जून 2022 की रिपोर्ट है। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हाल ही में जो कि IFAD के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त करता है? अल्वारो लारिया, गिल्बर्ट होंगबो, जेवियर ओल्विन, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में अल्वारो लारिया को जो कि IFAD के नए अध्यक्ष के रूप में इनको जो कि नियुक्त किया गया है। तो इसका ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य के सातों क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के दुर्गापुर और वर्धमान में इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट मिले हैं? तो उड़ीसा, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश। तो हाल ही में जो कि पश्चिम बंगाल राज्य के दुर्गापुर और वर्धमान में इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट मिले हैं। तो यह जो कि दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में यह इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट मिले हैं। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में IAF द्वारा AI सेंटर फॉर एक्सीलेंस कहाँ लॉन्च किया गया है? तो पुणे, नई दिल्ली, कोच्चि, डी है इनमें से कौन है। तो हाल ही में IAF द्वारा AI सेंटर फॉर एक्सीलेंस जो कि नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है। तो इसका बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है AIF और AI सेंटर फॉर एक्सीलेंस। नवा क्वेश्चन, हाल ही में गोवा से PR के नए प्रमुख, तो हाल ही में गोवा से PR के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ब्रजेश कुमार, RK गुप्ता, नितिन गुप्ता, डी है इनमें से कौन है। तो हाल ही में ब्रजेश कुमार को गोवा से PR के नए प्रमुख के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ब्रजेश कुमार जो कि गोवा से PR के नए प्रमुख इनको नियुक्त किया गया है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ब्रजेश कुमार।
दसों क्वेश्चन हाल ही में 2022 विंबलडन पुरुष ओपन खिताब किसने जीता है? तो रोजर फेडरर, नोवाक जोकोविच, निक किर्गियोस डी है, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया के खिलाड़ी हैं, तो हाल ही में 2022 विंबलडन पुरुष 2022 के लिए विंबलडन पुरुष ओपन खिताब इन्होंने जीता है नोवाक जोकोविच ने, तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। 11 क्वेश्चन, हाल ही में अमित शाह ने कहाँ उत्तरी क्षेत्र परिषद की बैठक की अध्यक्षता की है? तो मुंबई, कोलकाता, सी जयपुर, डी है, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में अमित शाह ने जो कि जयपुर के उत्तरी क्षेत्र परिषद की बैठक की उन्होंने अध्यक्षता की है, तो इसका सही आंसर जयपुर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। हाल ही में काफी बोर्ड जलवायु प्रतिरोधी किस्मों को विकसित करने के लिए किसके साथ सहयोग किया गया है? तो FSSAI, इसरो, नाबार्ड, डी है, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में काफी बोर्ड जलवायु प्रतिरोधी किस्मों को विकसित करने के लिए जो कि इसरो के साथ सहयोग करेगा, तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा इसरो। तो बात करते हैं यहाँ पे इसरो की, तो जिसका भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो कि हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, इसका संस्थापक जो कि अभी विक्रम अम्बालाल साराभाई जो कि अभी के इसके संस्थापक हैं, इसकी स्थापना जो कि 15 अगस्त 1969 को इसका स्थापना किया गया। तो वनडे एग्जाम में पूछ देता है डायरेक्ट इसकी स्थापना को, तो याद रखिएगा 15 अगस्त 1969 को इसका स्थापना किया गया था इसरो का। अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्रिक्स 2022 किसने जीती? लुइस हैमिल्टन, मैक्स वर्स्टप्पन, चार्ल्स लेक्लर, डी है, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में चार्ल्स लेक्लर ने जो कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्रिक्स 2022 जो कि चार्ल्स लेक्लर ने 2022 के लिए जीती है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, चार्ल्स लेक्लर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की जाह्नवी डांगेती AATC की सबसे कम उम्र की NLAG अंतरिक्ष यात्री बनी है? तो केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, डी है, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य सरकार की जाह्नवी डांगेती जो कि AATC की सबसे कम उम्र की NLAG अंतरिक्ष यात्री जो कि बन गई है, जो कि आंध्र प्रदेश की राज्य की है, तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहाँ माई होम इंडिया द्वारा आयोजित युवा सम्मेलन में शामिल हुए हैं? तो गोवा, सूरत, नई दिल्ली, डी है, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो कि नई दिल्ली में माई होम इंडिया द्वारा आयोजित युवा सम्मेलन में जो कि शामिल हुए हैं नई दिल्ली में, इसका सी आंसर नई दिल्ली आ जाएगा। तो आज के करंट अफेयर्स कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, चैनल को अच्छा लगे तो एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही।